जय हिंद वंदे मातरम साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए लुसेंट बुक से जीके जीएस का आज क्यूज 5 चलेगा, तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा था? बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है, चलिए आंसर बताइए। तो देखिए यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। ये कथन किसका है? तो नील्स बोर का है। ध्यान रखेंगे, चैडविक की बात करें तो इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी, जेम्स चैडविक ने। रोंटजन को ध्यान रखना है, इन्होंने एक्सरे किरण की खोज की थी, रोंटजन ने। और रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का नामकरण किया था, जबकि प्रोटॉन की खोज पूछे तो गोल्डस्टीन ने किया था। आगे देखिए, समीकरण वी बराबर यू प्लस ए टी क्या जानकारी देता है? बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं आप सभी को क्लास टाइमिंग के बारे में बता देते हैं। तो बिहार पुलिस के लिए अभी इस चैनल पर दो क्लास चल रहे हैं, एक रात 8 बजे और दूसरा क्लास रात 8:30 बजे। तो ये समीकरण जो है क्या जानकारी देता है? तो याद रखिएगा, वेग समय का एक फंक्शन है ये समीकरण, और इस समीकरण से इसका उपयोग करके त्वरण को ज्ञात किया जाता है। ध्यान रखेंगे, राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था? चलिए तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकता, यह किसने कहा था? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने। जो भी बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है? तो राजघाट है। इनकी मृत्यु कब होती है? तो 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु होती है। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? देखिए बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है, और प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? याद रखिएगा, नागरिकों के प्रति जवाबदेही। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से सही कथन क्या है? एक एक करके सभी ऑप्शन को पढ़िए। तेल पानी में मिल जाता है, बिल्कुल गलत है। स्टोन पानी में घुलनशील है, ये भी नहीं है। पत्थर पारदर्शी और कांच अपारदर्शी, ये बिल्कुल गलत है, पत्थर पारदर्शी थोड़े होता है। अब देखिए यहाँ पे चीनी पानी में घुलनशील है, तो ये कथन जो है बिल्कुल सत्य है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है। चले 6 के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। और देखिए इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही हो रहे हैं आप लोगों को कॉपी में लिखते जाना है, फिर सेशन के लास्ट में आपको अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टोटल 5 अस्थायी सदस्य देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चाइना है। ध्यान रखेंगे, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था। और सबसे पहला राज्य कौन है? तो याद रखिएगा, ये है असम। यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है, और इसका फुल फॉर्म होता है जीएसटी का, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। याद रखेंगे, जीएसटी से संबंधित पूछा जाता है कौन सी समिति बनी थी, तो विजय केलकर समिति। गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए की थी? तो ध्यान दीजिए, गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए किया था? तो सही जवाब है बी ऑप्शन, नमक कानून को तोड़ने के लिए। ध्यान रखेंगे, और कब किया था? तो ये भी पूछा जाता है, तो 1930 में, 6 अप्रैल 1930 में स्टार्ट हुआ था, सॉरी 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था, और 6 अप्रैल
1930 को दांडी पहुंचे थे महात्मा गांधी जी। और ये जो यात्रा है दांडी यात्रा कहाँ से शुरुआत किया था आप लोग कमेंट करके बताइए। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका नारा किसने दिया था? तो इस प्रश्न का आंसर सभी को पता है, सुभाष चंद्र बोस ने। इन्होंने ही 1939 में क्या किया था, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो यहाँ पर जो ही बच्चे बी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है, ताशकंद समझौता, जो कि 1966 में हुआ था। शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में, ध्यान रखेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए पंचशील समझौता कब हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बिल्कुल एक नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम पूछा जाता है सिद्धार्थ था, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा बोध गया में, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो याद रखिएगा सारनाथ में। प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा धम्म चक्र परिवर्तन। और महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु है उसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण। ब्रह्म राक्षस कविता के रचयिता कौन है? एक भी प्रश्नों को स्किप नहीं करना है, प्रत्येक प्रश्नों के आंसर करना है। ब्रह्म राक्षस कविता के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे 12 का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी सी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है, गजानन माधव मुक्तिबोध ब्रह्म राक्षस कविता के रचयिता है। मीराबाई को ध्यान रखना है, ये भक्ति काल की कवित्री थी। 1857 के विप्लव के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो आप सभी जानते हैं बिहार से किया था किसने, तो वीर कुंवर सिंह ने। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, वीर कुंवर सिंह ने। स्वामी सहजानंद किससे संबंधित थे? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो स्वामी सहजानंद किससे संबंधित थे? तो बिहार में किसान आंदोलन से, सही जवाब है सी ऑप्शन। चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार किया था? चलिए 15 के लिए आंसर बताएंगे। तो ये योजना तैयार किया था सूर्य सेन ने, आप सभी जानते हैं। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, सूर्य सेन। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ पर स्थानांतरित किया था? चलिए 16 के लिए आंसर बताएंगे, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो याद रखिएगा मुंगेर। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, मुंगेर स्थानांतरित किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? अब देखिए यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही थी उस समय मुगल शासक कौन था? तो याद रखिएगा अकबर। और स्थापना कब होती है? तो 1600 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडेस्पीज का युद्ध लड़ा गया था? तो हाइडेस्पीज का युद्ध जो है ये झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? देखिए एग्जाम में पूछा जाता है आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, तो सभी को ध्यान रखना है। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने किया था, और इन्होंने ही 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और इन्होंने 1829 में सती प्रथा के उन्मूलन में सहयोग दिया था, ध्यान रखेंगे। आर्य समाज की स्थापना कब होती है? तो 1875 में। किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और इन्होंने ही वेदों की ओर लौटों का नारा दिया था। पुष्य मित्र सुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था?
तो बहुत ही आसान प्रश्न है, यह है वृद्रथ। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। वृद्रथ अंतिम मौर्य शासक था और मौर्य वंश के बाद आता है शुंग वंश, जिसकी स्थापना किया था पुष्यमित्र शुंग ने। दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? तो बहुत ही सिंपल है, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक है कार्ल मार्क्स। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसके साथ आपको ध्यान रखना है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। अमरवेल किसका उदाहरण है? ये प्रश्न मद्य से सिपाही में एक बार पूछा जा चुका है। अमरवेल किसका उदाहरण है? तो याद रखिएगा, अमरवेल जो है ये परजीवी का उदाहरण है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमुख कारण है कम कीमत वाली मशीनों का विकास और भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति, यानी कि दोनों सही है। वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? चलिए आंसर कीजिए, वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? तो मोटापा बढ़ता है, यानी वजन बढ़ता है। सही जवाब है ए ऑप्शन। तीन ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? चलिए 25 के लिए आंसर कीजिए, तीन ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? तो इसको प्रायद्वीप कहा जाता है। तो सही जवाब है सी ऑप्शन, प्रायद्वीप। निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो देखिए, कर्मचारी रेफरल योजना ये नहीं है, ध्यान रखेंगे, बाकी ये तीनों है। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी को सोख लेता है क्या कहलाता है? तो उस गुण का नाम है प्रसवेदन, याद रखेंगे। निम्न में से कौन सी एक अधातु है? इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखें। निम्न में से कौन एक अधातु है? तो याद रखिएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, ध्यान रखेंगे, और यह हैलोजन समूह का तत्व है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे नवीनतम पूछे तो हिमालय सबसे नवीनतम है, और हिमालय जो है ये वलित पर्वत के उदाहरण है। सबसे पुराने पूछे तो अरावली है। किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब हुआ था? तो ध्यान दीजिए, किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब हुआ था? तो 21 जनवरी 2004 को। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? चलिए आंसर बताइए फटाफट से, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? तो शिवालिक बोला जाता है। यहाँ पर सही जवाब है ए ऑप्शन, शिवालिक। एक आदर्श ईंधन वह है जो क्या हो? सस्ता हो, कम प्रदूषण फैलाने वाला हो, उच्च ऊष्मीय मान वाला हो, या सभी? तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त, सभी। बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर है, यह स्टेटमेंट किसका था? तो बहुत ही सिंपल है, ये कहा था किसने? तो याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं? तो ध्यान दीजिए, पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं? तो याद रखिएगा ऑक्सीजन। यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन। एग्रेस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? चलिए 35 के लिए आंसर कीजिए, एग्रेस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो याद रखिएगा, घास का अध्ययन किया जाता है। पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो पहले भी हमने आपको बताया था, क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए। यीस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, यीस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन ये कहलाता है किण्वन।
आगे देखें, दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क कीजिए। दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा जो है किस ओर बहती है? तो याद रखिएगा, समुद्र से भूमि की ओर। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? सबसे सिंपल प्रश्न है, आप सभी जानते हैं प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। पोलियो और चेचक रोग होता है, तो ध्यान दीजिए, पोलियो और चेचक रोग जो है ये विषाणु यानी वायरस के संक्रमण के कारण होता है। तो सही जवाब है डी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करके और अधिक से अधिक सेशन को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।